गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और बुंदेलखंड में अभी से पानी की समस्या होने लगी है। हमीरपुर जिले के सरीला तहसील में पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। सरीला तहसील को बने 17 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पीने के पानी के लिए लोग आज भी तरस रहे हैं। आज होली है और होली के दिन पानी नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन से परेशान है व्यक्ति है और आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं और अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं हो रहा हुआ, कई दिन से पानी नहीं मिल रहा हुआ, पूरे झंडा बाजार से लेके हमारे माझखोर मोहल्ला में पानी नहीं मिलता बिल्कुल, कभी आ जाते कभी नहीं आती। और प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए? प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम नहीं हुआ यहाँ। अरे एक सीधी लाइन डलवा देते यहाँ सीधी डायरेक्ट, तो ये ऊंचाई वाले क्षेत्र में सबके पानी मिलने लगता। समस्या बनी हुई पानी की? समस्या तो काफी दिनों से बनी है, 2-3 महीना हो गए समस्या। 5 दिन में और ऐसे ही पानी के लाइन बिछी है, यही में आता है और जे नल लगे हैं तो नल का तो खारा पानी आता है और चलता भी नहीं है नल का पानी बिल्कुल। और तालाब क्योंकि है तो तालाब पे नहाने भी नहीं सकते, ऐसा पानी है वो गंदा पानी है। वहीं इस मामले पर जल विभाग के JE का कहना है कि जल स्तर नीचे चले जाने से पानी की समस्या बनी हुई है। जो समस्या है वर्तमान में जल स्तर अधिक घटने के कारण नगर के सभी ट्यूबवेलों का डिस्चार्ज अत्यधिक कम हो गया है, सारे ट्यूबवेल हंटिंग कर रहे हैं। नगर में मात्र केवल एक ट्यूबवेल जो खेड़ा रोड पंप नंबर 1 है उसी का पानी सप्लाई में दिया जा रहा है, बाकी नलकूपों से पानी अत्यधिक कम प्राप्त होने के कारण नगर में समस्या बनी हुई है। इसके लिए जल निगम द्वारा क्या कहते हैं 3 बोर कराए गए जिसमें से 1 बोर में पानी मिल गया है, परंतु अभी उसका कार्य अधूरा है, उसमें पाइपलाइन नहीं डाली गई है और पंप हाउस नहीं बना है। तो जब तक नगर में 2-3 ट्यूबवेल नए नहीं लगाए जाएंगे तब तक नगर की समस्या पेयजल की समस्या बनी रहेगी। स्थानीय लोग कई बार पानी के लिए जल संस्थान का घेराव कर चुके हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी की टंकियां, तालाब सब केवल शोपीस बने हुए हैं। अब जनता के लिए पानी के टैंकरों का ही सहारा है। हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।